अपन चीज़ों को पता कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है, हॉट है या कोल्ड है, और अपनी स्किन की मदद से ही हम कोई भी चीज़ जो होती है उसे कि वो कैसी से हॉट है या ठंडा है, जो भी है वो सारी चीज़ जो है वो हम अपनी स्किन की हेल्प से ही पता कर पाते हैं। ठीक है, अब हम अपनी बॉडी के जो अदर्स ऑर्गन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो सेंस ऑर्गेन नहीं है बट आपकी हेल्प जो आपके अधर वर्क जो इन्हें करने में हेल्प करते हैं, जैसे आपकी हैंड्स हैं, आपकी लेग्स हैं, ठीक है, आपकी हैंड्स और लेग्स जो आपकी काफ़ी मदद करते हैं आपकी अधर वर्क जो है करने में। तो ये कैसे हो, तो वी राइट ड्रॉ एंड कलर विद अवर हैंड। तो हम अपनी हेल्थ की मदद से आप क्या करते हो, ड्राइंग करते हो, कलर फिलअप करते हो, इसके साथ ही आपके हैंड जो है आपकी कई अदर सारे वर्क जो है ना कंप्लीट करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। और ये वर्क जो है है आपकी होल थिंग्स यानी चीज़ों को होल्ड करके रखना, पुश थिंग्स यानी चीज को पुश करना, एंड पुल थिंग्स यानी किसी चीज़ को खींचना। ठीक है, तो ये हम अपने हैंड की मदद से ही कर पाते हैं। ओके, अब हम अपने लेग्स के बारे में देखेंगे, तो वी यूज अवर लेग्स इन हेल्प, हमारी लेग्स जो है वो हेल्प करती है हमारी इन रनिंग, किकिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग एंड साइकिलिंग। ओके, ये तो थे सारे हमारे सारे आपके एक्सटर्नल ऑर्गेन थे। अब आते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गेन। इंटरनल ऑर्गेन मीन यानी वह ऑर्गेन जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें आप टच ना टच कर सकते हैं ना ही आप देख सकते हैं। ये सारे आपके इंटरनल ऑर्गेन होते हैं और ये आपके इनसाइड ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये आपके हार्ट, ब्रेन, लंग एंड स्टोमक, ये सारे आपके जो है वो इंटरनल ऑर्गेन हैं। सो अवर फर्स्ट इंटरनल ऑर्गेन इज द ब्रेन। द ब्रेन इज इनसाइड ऑफ अवर बॉडी, इट हेल्प अस टू थिंक एंड फील, इट आल्सो हेल्प अस टू मूव एंड डू ऑल वर्क। तो आपका ब्रेन जो है आपकी हेल्प करता है थिंक एंड फील करने के लिए। इट आल्सो हेल्प अस टू मूव एंड डू ऑल वर्क, ये आपकी हेल्प करता है मूव एंड आपके जो अदर वर्क जो है उनको कंप्लीट करने में। ओके, नाउ अवर सेकेंड इंटरनल ऑर्गेन इज लंग्स। लंग्स जो है वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, आपकी बॉडी जो है उसके अंदर लंग्स का एक पेयर, लंग्स जो है वो पेयर में पाए जाते हैं और ये आपकी हेल्प करते हैं आपकी ब्रीथ करने, ब्रीथ यानी कि सांस लेने में। ओके, अवर थर्ड इंटरनल ऑर्गेन इज हर्ट। तो द हर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन, तो आपका हर्ट जो है वो काफी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स जो हैं उनमें ब्लड की सप्लाई करता है। ओके, नाउ आपका स्टोमक जो है, स्टोमक जो है वो आपका फोर्थ इंटरनल ऑर्गेन है और ये भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो फूड स्टोरिंग का काम करता है। विदाउट इसके इसके आप जो है वो फूड खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा। तो द स्टोमक इज लाइक अ स्मॉल बैग, तो स्टोमक जो है वो एक छोटे बैग के जैसा दिखाई देता है और ये जो है वो आपके बॉडी के अंदर आपको जो फूड जो है उसे कुछ समय तक के लिए आपकी बॉडी के अंदर उसे कलेक्ट करके रखता है। ओके, सो नाउ हियर योर चैप्टर इज कम्प्लीट।